श्री श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद सभापती महोदय। आज महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात मोठा वारकरी संप्रदायाचा सोहळा सुरू आहे, सगळ्यात मोठा उत्सव, ज्यात लाखो भाविक जे आहे, वारकरी जे आहे, हे पायी पंढरपूरला जातात आणि पांडुरंगाचं दर्शन तिथे घेतात, आशीर्वाद घेतात। आणि आज माझं भाषण, हे पहिलं भाषण या 18व्या लोकसभेमधील पांडुरंगाच्या जयघोषाने मी सुरू करू इच्छितो। पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय कि आज मुझे आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कि उनके समर्थन में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना की तरफ से मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। शिवसेना सबसे पुरानी साथी इस एनडीए में है। जैसे एलआईसी का एक वाक्य है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बाला साहब के पहले भी और बाला साहब के जाने के बाद भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज एनडीए में खड़ी है। सबसे पहले देश के जनता को, महाराष्ट्र के जनता को और मेरे कल्याण लोकसभा की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि तीसरी बार मुझे इस सदन में मेरे कल्याण लोकसभा की जनता ने चुनकर भेजा और तीसरी बार फिर से मोदी जी को इस देश का नेतृत्व सौंपा और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए सरकार को तीसरे काल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 10 सालों में जो हमने काम किया, ऐतिहासिक हो, सकारात्मक काम जो है गए 10 सालों में हुए, उससे अच्छे काम जो है आने वाले 5 सालों में जो है, अच्छी नीतियाँ जो है आने वाले 5 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाएगी। इस चुनाव में जनता ने एक मैसेज दिया है, कांग्रेस अकेले लड़े या इंडिया अलायंस बनाकर बैठना तो विपक्ष में ही है। कांग्रेस जो आज इतनी खुश है, राहुल कल तक यहाँ थे, आज वहाँ पहुँच गए हो। कांग्रेस को राहुल की जगह उधर ही है विपक्ष में। मुझे लगता है कि जो आंकड़े कांग्रेस को ऐसे लग रहा है कि आज वो विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता में है, इतनी खुशी जो है उनको विपक्ष में बैठकर महसूस हो रही है। 10 सालों में कांग्रेस सिर्फ 44 से 99 तक पहुंची है, 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई है। हम लोग जो है, अरे हम लोग 15 लड़े और 7 जीते। मैं आज यहाँ पर कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूँगा कि आपने 285 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 99 जीते, मतलब सिर्फ 34% आपका स्ट्राइक रेट। 285 में से 51 उम्मीदवारों की जमानत जो है कांग्रेस की जब्त हो गई। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा में अपना खाता भी जो है कांग्रेस खोल नहीं पाई। और जिन अरे आपके विपक्ष के नेता किस पर बात कर रहे थे फिर? 336 उम्मीदवार जो है अलग अलग राज्यों में इन्होंने खड़े किए, उसमें से सिर्फ 15 इनके जो है उम्मीदवार जीत कर आए, जो 5% से भी कम है। मुझे लगता है कि आपके आंकड़े तो कम है लेकिन आंकड़ जो है इस वक्त जो है बढ़ गई है। मुझे लगता है कि जश्न के पीछे जो हार की सच्चाई है उस पर थोड़ा आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को जरूरत है। यहाँ पर हमारे आंकड़े, हम लोग यहाँ पर सत्ता में बैठे हैं, आप लोग विपक्ष में बैठे हो। 10 साल के बावजूद लोगों ने जो है आप पर विश्वास नहीं रखा, लोगों ने मोदी जी के नीतियों पर विश्वास रखा, मोदी जी पर विश्वास रखा, इसलिए आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं फिर से सत्ता में तीसरी बार। लोगों ने मोदी जी को चुनकर क्यों दिया? हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शांतिपूर्वक ढंग से पूरा हुआ और तीसरी बार भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को चुना। 2024 में दुनिया की आधी आबादी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही थी। अभी तक 80 देशों में चुनाव अभी हो रहे, 55 देशों में चुनाव हुए, 33 देशों में सरकार बदल गई, बदलाव हुआ, लेकिन हमारे देश ने तीसरी बार सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनाई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब विश्व भर में बदलाव की लहर है, तब भारत जैसे डाइवर्स और सबसे बड़े लोकतंत्र में स्टेबिलिटी कैसे है? उसका सबसे प्रमुख कारण है जनता को हमारी नीतियों पर विश्वास। हमने दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि गए 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा मजबूत अभी हुई है। आज हमारा देश किसी पर भी निर्भर नहीं है, बल्कि बाकी देश जो है भारत पर जो है निर्भर है। कांग्रेस सरकार की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कमज़ोर किया और इसी के कारण 26/11 हमलों का हम कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज वक्त बदल गया है, हमारी सरकार पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देती है। जी ट्वेंटी के डिक्लेरेशन में विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ कंसेंसस बनाकर मोदी जी ने भारत की ताकत पूरे विश्व को दिखा दी। आज सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, इजिप्ट हो, ऐसे देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को देते हैं। जब इस सदन ने 370 हटाया, तब विपक्ष के कुछ साथी और कुछ चुनिंदा देशों को अगर छोड़ा तो पूरे विश्व ने इसका समर्थन किया। जिस भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते थे, वो आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। आज विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिलता है, वो 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, भारत का सम्मान है, वो प्रमाण है भारत के विश्वगुरु बनने का। कोरोना महामारी हो, उसके अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो है हम लोग ने एक्सपोर्ट किए और 100 से ज़्यादा देशों को जो है उसका फ़ायदा हुआ। यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 2014 के पहले हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी। 2014 तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे और 390 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 16 नए एम्स और 315 नए मेडिकल कॉलेज जो है शुरू हो चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर में भी एम्स का निर्माण जो है वहाँ पर हो रहा है। 10 साल में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर के पर पहुँचा है। स्टार्टअप जो आज 1 लाख से भी अधिक है, वो 2014 में सिर्फ 350 था। नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर अग्निवीर की बात हो रही है। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, मुंबई जिसने 2008 में आतंकवाद की दहशत देखी और उसमें भी जब भी के कांग्रेस के गृह मंत्री थे तभी कपड़े बदल रहे थे, ऐसी व्यवस्था में 2008 में 26/11 जैसा हमला हुआ और जब ये हमला हुआ तब हमारे पुलिसकर्मियों के पास 303 राइफल, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुए थे, वो 303 राइफल के साथ जो है हमारा डिफेंस सिस्टम, मतलब पुलिस जो है आतंकवादियों के साथ जो है लड़ाई वहाँ पर कर रही थी। लोगों के पास जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे और आज जो है यहाँ पर ये अग्निवीर पर जो है बात कर रहे हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार यहाँ पर नहीं है कि 2008 में बम्बई ने सीरियल, उसके पहले भी सीरियल बम ब्लास्ट देखे, लेकिन गए 10 सालों में ऐसे एक बड़ा शहर कोई नहीं, आज भारत में एक भी ऐसा शहर नहीं जहाँ पर जो है गए 10 सालों में एक भी हमला हुआ हो। हमारे 10 साल की नीति, और ये कह रहे थे डरो मत डरो मत, मुझे लगता है कि आपसे जो है पहले हमारे अड़ोस पड़ोस के देश जो है डरते नहीं थे, इसलिए हमारे देश पर जो है आए दिन हमला करते थे। आज अड़ोस पड़ोस के देश जो है मोदी जी से डरते हैं, इसलिए गए 10 सालों में एक भी हमला जो है बड़े शहरों में हमारा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अरे सुनना सीखो जरा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत का। मुझे गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। हम 85 देशों को एडवांस टोर्ड आर्टिलरी ग्रन्स ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट आज कर रहे हैं। ये हमारी नीति है। यहाँ पर सभी लोग जो है आज कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं। शपथ जब भी ले रहे थे तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन दिखा कर जो है यहाँ पर संविधान दिखाकर यहाँ पर शपथ ले रहे थे। मुझे आज पूरे चुनाव में एक फेक नैरेटिव कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, ये बोल कर जो है आपके कुछ वोट जो है बड़े, कुछ नंबर जो है यहाँ पर बड़े ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेक नैरेटिव जो है ये बार बार आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक बार लोगों को जो है आप भ्रमित कर सकते हो, बार बार लोगों को जो है भ्रमित करने का काम जो है ये आपसे नहीं होगा और लोग भी भ्रमित नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर इंडिया अलायंस के सांसदों ने यहाँ पर कहा कि संविधान जो है अगर भाजपा की सरकार आई तो ये संविधान को फाड़ कर जो है फेंक देंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कि जहाँ पर राहुल जी ने जो है ऑर्डिनेंस को फाड़ कर जो है फेंक दिया था। ये हमारी सरकार है। यहाँ पर संविधान पर चलने का काम जो है हमारी सरकार यहाँ पर करती है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो है आप लोग यहाँ पर राजनीति करते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम अगर किसने किया होगा वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जो है नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जो है प्रचार भी यहाँ पर किया। और मैं एक चिट्ठी के आप प्रोटेक्शन दीजिए सर। नेहरू जी के एक चिट्ठी के जो नेहरू जी ने 27 जून 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, उसके अंदर क्या लिखा था? आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विस। पिछड़े वर्ग को सेकेंड रेट, इनएफिशिएंट बोलने वाले नेहरू जी के वंशज आज संविधान और आरक्षण की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो नेहरू जी जो है पूरा आरक्षण जो है खत्म कर चुके होते। आज मुझे पूछना है कि नेहरू जी के राज में भी संविधान खतरे में था क्या? उसका जवाब जो है विपक्ष को देना है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को और संविधान को सही मायने में संविधान पर चलने का काम हमने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है भारत रत्न देने का काम भी जो है कांग्रेस ने नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार ने जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है भारत रत्न दिया। उसी के साथ में इंदू मिल, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा स्मारक बन रहा है, वो हमारी सरकार बना रही है। लंदन के घर में, लंदन का घर जो है उसको भी स्मारक के रूप में रूपांतर करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया। उसी के साथ में 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। उसी के साथ में पुराने पार्लियामेंट को संविधान सदन नाम देने का काम भी हमारी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया। मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान संविधान चिल्लाकर जो है कुछ बात नहीं होगी, संविधान पर चलना भी होगा। यही बोलते रहिए अगले इलेक्शन तक। और यहाँ पर जो है बहुत अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई। मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, एमएस गिल कौन थे? एमएस गिल जिस एमएस गिल ने हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के अधिकारों को छीना, वोटिंग का अधिकार 6 सालों के लिए छीना, और जो एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको पहले राज्यसभा में लेकर फिर केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किसने किया, और आज ये संविधान बचाने का काम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। सेम सेम यहाँ पर इनकी जब भी सरकार आई, जब भी 400 पार इनके पास थे 400, तभी इन्होंने क्या किया, 400 पार जब भी 1984 में थे तब एक गरीब मुस्लिम महिला जिसका नाम है शाह बानो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसका हक दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में जाके जो है सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग के लिए इन्होंने कानून बनाया और मुस्लिम महिलाओं का जो है अधिकार छीनने का काम इन्होंने किया। लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ट्रिपल तलाक हटाकर। 400 पार प्लीज 400 पार आप सदस्य प्लीज आप बोलो, आप बैठिए नीचे। तीसरी बार का सांसद हूँ, समझाने की यहाँ पर जरूरत मत कीजिए, तीसरी बार चुनकर आया हूँ, आप बैठो नीचे, बैठो नीचे सदस्य प्लीज। आज आप बोलिए 400 पार। अरे राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, शहर पे देखो, इधर ध्यान मत देना, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। 400 पार आपका भी समय, जब समय के ऊपर ध्यान रखिए, जब अपने 400 पार करके प्लीज आप बैठे, आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। बीजेपी सबकी बात चुपती है। इस देश में राष्ट्रपति जी का भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया। जब इस सिख समाज के साथ नरसंहार हुआ, अत्याचार हुआ, तभी किसने किया यह अत्याचार, इसका भी जवाब जो है कांग्रेस को देना पड़ेगा। उसी के साथ में जब भी राष्ट्रपति, अभी बोलो, अभी बोलने का काम कीजिए। ओ पापा जी इधर बोलो प्लीज। दुनिया जानती है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति जी यानी जय सिंह थे, उनको इन्होंने 2 साल तक जो है किसी भी मंत्री को जो है मिलने नहीं दिया, और ये आज संविधान की बात कर रहे हैं। आपका समय जब भी 400 पार इनके पास थे, 400 सर मैं अकेला स्पीकर हूँ सर, 400 पार इनके पास थे, तभी बोफर जैसा घोटाला इन्होंने किया, जिससे सेना को कमजोर करने का काम भी जो है कांग्रेस की सरकार ने किया। उसी के साथ में जब भी 400 पार थे, तभी भोपाल गैस ट्रेजिडी में इतने लोग मारे गए, और वॉरेन एंडरसन को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर जो है चार्टर्ड प्लेन से देश के बाहर भगाने का काम भी कांग्रेस ने किया। तो जब कांग्रेस के शासन था तभी 400 पार। सर आई एम द ओनली स्पीकर सर, 13 मिनट्स 400 पार सर, अभी तो थोड़ा आधा बाकी है मेरा सर भाषण। प्लीज 400 पार सर मेरा पहला भाषण है सर, संरक्षण दीजिए। 400 पार तो एंडरसन फरार, 400 पार तो संविधान पर वार, इनका 400 पार तो मुस्लिम महिलाओं का पर अत्याचार, और इनका 400 पार तो सेना में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज महोदय महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करूंगा। आज महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, आज डबल इंजन की सरकार जो है, सरकार किस प्रकार विकास के कार्य काम कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण जो है मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। 701 किलोमीटर का समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतु, जो देश का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, वो बनाने का काम हमने किया। बुलेट ट्रेन हो, वाडवन पोर्ट हो, मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री हो, मुंबई नागपुर रेल स्पीड हाई स्पीड कॉरिडोर हो, उसी के साथ में 350 किलोमीटर की मेट्रो रेल हो, ये रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने का काम जो है केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में। और यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग जो है भाग गए, मुझे लगता है कि भगोड़े जो है, आज कोई बैठा नहीं यहाँ पर, ये भी भाग गए यहाँ से। ये जो भगोड़े हैं ये हिंदुत्व से दूर भागे, बाला साहब के विचारों से दूर भागे, लोग जो है रोज इनकी पार्टी छोड़ के जो है भाग रहे हैं रोज। और आज चुनाव जब भी हुआ लोकसभा का, तो असली शिवसेना और नकली शिवसेना जो है लोगों ने इनको दिखा दी कि कौन जो है असली शिवसेना के साथ, बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के साथ खड़ा हुआ है। आज इनके सामने हम लोग जो है 13 सीट लड़े, इनके सामने 13 में से 7 सीट हम लोग लड़े और 2 लाख ज़्यादा वोट जो है हमें, जो बाला साहब की शिवसेना है उनको मिली। लोग जो है शिवसेना के साथ, हिंदुत्व के साथ जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनको तो जो बाला साहब हमेशा कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज इनके नेता को जो है हिंदू शब्द इनके भाषण में जो है यूज करने शर्म आती है। हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द इनको इस्तेमाल करने में शर्म आती है। और यहाँ पर विपक्ष के नेता, खत्म कर रहा हूँ सर, विपक्ष के नेता यहाँ पर हिंदुओं को जो है यहाँ पर कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भूमि से आता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है हिंदवी स्वराज के लिए जो है, हिंदुत्व के रक्षण के लिए जो है, देव देश आणि धर्मासाठी शिवाजी महाराजांनी जे आहे हे तलवार हातात घेतली। जर हिंदवी रयतेचंच राज्य, आय एम नॉट इल्डिंग सर, आय एम नॉट इल्डिंग, रयतेचं राज्य यावं म्हणून हातात जर तलवार नसती घेतली तर आज अटकपासून ते कटकपर्यंत हिंदवी स्वराज्य जे आहे हे तेव्हा स्थापन झालं नसतं। तर तेवढा अभिमान बाळगा, संभाजी महाराजांचा रोल तुम्ही करता, त्यांचे जरा गुण तुम्ही ते घ्या जरासे संभाजी महाराजांचे। तर मी आज प्लीज खत्म कीजिए, आपका कंक्लूड कर रहा हूँ प्लीज। आज मुंबई में 1993 बम ब्लास्ट के कन्विक्ट इकबाल मूसा जैसे आतंकवादियों को चुनाव प्रचार में इन्होंने उतारा यूबीटी ने, जिससे उनसे प्रचार करवा सके और एक विशिष्ट वर्ग और समाज के वोट जो है इनको मिल सके। लेकिन आज इस इकबाल मूसा को जो है इन्होंने प्रचार में उतारने के बावजूद हमारे साथी रविंद्र वाईकर जी यहाँ पर चुनकर आए। लोग जो है न्याय के साथ जो है खड़े हुए, आतंकवादियों के साथ जो है लोग खड़े नहीं हुए। आज रविंद्र वाईकर जी वहाँ पर चुनके, और ये चुनके आने के बाद जैसे एक साइड से आलू डालो और दूसरे साइड से सोना निकालो, ये जो योजना लाए थे वैसी योजना मुंबई में लेके आए। कि ईवीएम जो है ओटीपी से खुलता है और फिर जो है एक मिडडे ने उसके पेपर, एक न्यूज़पेपर ने जो है उसके आर्टिकल छापा। सर कंक्लूड कर रहा हूँ। आर्टिकल छापा कि एक के मोबाइल में जो है ओटीपी आया और ईवीएम खोल के हम लोग ने हमारी प्रत्याशियों को जो है यहाँ पर जिता दिया। और फिर उस न्यूज़पेपर ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, सर खत्म कर रहा हूँ लास्ट लाइन, न्यूज़पेपर के आर्टिकल को जो है ट्वीट करने का काम जो है एलओपी ने किया। क्या मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जैसे न्यूज़पेपर वालों ने जो है माफ़ी मांगी, आप भी माफ़ी मांगेंगे क्या रविंद्र वाईकर जी से? ओके, थैंक यू सर, हो गया। तो मैं आज यहाँ पर सर खत्म कर रहा हूँ, लास्ट लाइन सर। आज यहाँ पर जो फेक नैरेटिव महाराष्ट्र में भी, सर लास्ट लाइन सर, कंक्लूडिंग लाइन। आज महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है। लोग जो है फेक नैरेटिव फैला रहे थे कि महाराष्ट्र से जो है FDI बाहर जा रहा है, महाराष्ट्र से जो है धंधे बाहर, मतलब बिजनेस बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बाहर जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ने जो है इनके मुंह पर जो है एक तमाचा जो है जोर का लगाया है कि महाराष्ट्र आज जो है क्या कहता है कि आज इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार महाविकास आघाड़ी के शासन में GSDP 6.76% था, जो आज बढ़कर 9.4 हो गया है। थैंक यू। आज निवेश में महाराष्ट्र, सर एक ही लाइन कंप्लीट कर रहा हूँ, एक ही लाइन है सर। आज निवेश में महाराष्ट्र अव्वल है और हमारे राज्य में 21,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, जिससे 2 लाख से अधिक रोजगार जो है लोगों को मिले। FDI में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 है और उसी के साथ में 22 लाख महिलाओं को हमारी शिक्षा नीति से फायदा हुआ है, जो एमबीए के समय सिर्फ 7.12 लाख था। और उसी के साथ में मैं ओके थैंक यू यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इतना समय जो है यहाँ पर मुझे दिया। और फिर से एक बार मैं सभी नए सांसदों को यहाँ पर बहुत बहुत सबका अभिनंदन करता हूँ कि जो आज 281 नए सांसद यहाँ पर चुनकर आए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।